आपको दिखाने वाली हूँ। पहले मैं आपका स्वागत कर रही हूँ पूरे 2.0 पे। और जैसा कि प्रोसेस चल रहा है इवन और ऑड का, तो आज से ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इवन में शॉप्स खुलेंगी, जो इवन में खुलेंगी वो ऑड नंबर में नहीं खुलने वाली है। तो जैसे आज इवन का है तो ये प्रोसेस आप देख सकते हैं, इवन नंबर से ये शॉप ओपन है। और आप देख सकते हैं नेक्स्ट अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर वाली शॉप जो है बंद है। इसी तरह फिर हम प्रोसेस में चलते हैं। ये बर्तन वाली शॉप है जो बहुत ही मशहूर है चौक पर, और ये इवन नंबर में इसमें आने वाला है। इवन नंबर से स्टार्ट है और देख सकते हैं लोग यहाँ पर आए हुए हैं। चहल पहल दोबारा से जो है शुरू हो चुकी है। फिर से आगे ऑड नंबर यानी इवन और ऑड नंबर से जो है शॉप ओपन होने वाली है। यहाँ पे देखिए लोग आए हुए हैं, पूछते हैं उनसे क्या एक्सपीरियंस रहा। सर कैसा एक्सपीरियंस लगा आपको आज सदर खुलने पे? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे। जी जी, काफ़ी टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे कि मार्केट ओपन हो। हाँ जी, बहुत दिनों के बाद मार्केट ओपन हुआ है, और जैसे ही ओपन हुआ है हम लोग को शॉपिंग करने हैं। फटाफट दौड़ के आए, फटाफट दौड़ के आए, और देख रहे हैं कि क्राउड तो मतलब ठीक है, मैनेजेबल है, काफ़ी अच्छे हैं। और देखते रहिए कि जैसे इन्होंने बताया कि क्राउड किस तरह से रहने वाला है। हम सर से पूछते हैं, सर जैसे लॉकडाउन था तो लॉकडाउन के दौरान सारी शॉप्स जो थी बंद थी, तो आज जैसे शॉप ओपन हुई है तो आज का क्या एक्सपीरियंस बता रहे हैं? ऑड एंड इवन से देखो नुकसान तो है ही। जी, ऑड एंड इवन से नुकसान तो है ही, बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि आधी शॉप्स खुली हुई आधी शॉप बंद है, तो इससे कस्टमर जो है ना खत्म हो जाता है कि भाई यहाँ पे तो सारी मार्केट बंद है। पर होता ये है कि चलो जितना भी है 1.5 महीने घर में बैठे तो उससे तो बहुत बेटर है ना। बेटर है, राइट सर, काम भी हुआ है थोड़ा बहुत ही सही, पर काम तो हुआ है। जी सर, तो इससे थोड़ा क्राउड भी कम रहने गए और कोरोना से भी थोड़ा हमें जो है पूरी सुरक्षित। कोरोना तो ऑलमोस्ट खत्म है। जी, आप देख सकते हैं सदर में चहल पहल शुरू हो चुकी है, बट ये है कि इवन एंड ऑड से जो है शॉप ओपन हो रही है। तो जैसे आज का दिन जो है इवन से स्टार्ट है, और आप देख सकते हैं किस तरह से चहल पहल है और शॉप जो है इस तरह से ओपन हो रही है। ये देखिए, जो इवन में है वो ओपन है, जो ऑड में है वो बंद है। तो आप ये पूरा नज़ारा जो है सदर बाज़ार का देख सकते हैं। अगर आप सदर बाज़ार आना चाह रहे हैं तो आप आ सकते हैं। चहल पहल किस तरह से रहेगा, रश आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाला, बिकॉज ऑफ इवन और ऑड का जो है यहाँ सिस्टम रहने वाला है, और प्रॉपर यातायात जो है आपको सही मिलेगा। और शॉप जो है ओपन है, मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे नज़ारा दिखाने वाली हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं शॉपकीपर्स भी जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ये देख सकते हैं जैसे क्रॉकरी वाली गली, डाक खाने वाली गली, मटका गली, ये सब जो हैं ओपन है, और इवन और ऑड से ही ओपन है। बट जैसे पटरी बाज़ार के लिए बोला गया, पटरी बाज़ार जो है नहीं लगेगा। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ के लोगों से पूछूँ कि पटरी बाज़ार का क्या प्रोसेस रहने वाला है। इवन और ऑड में शॉप्स ओपन रह रही हैं। और जैसे अगर पटरी बाज़ार जैसे संडे को लगता है, एक संडे मार्केट रखती है, या जैसे मॉर्निंग में पटरी बाज़ार लगता है, वो भी लगेगा? नहीं लगेगा। अभी नहीं लगेगा, नहीं। अच्छा, और कब तक आशा की जा सकती है कि ओपन रहेगा? अभी कुछ नहीं कर सकते, 16 तारीख के बाद ही डिसीजन होगा जो भी होगा। जी, अगर मैं आपको अंदर की मार्केट स्वदेशी मार्केट दिखाना चाहूँ तो भी आप ये देख सकते हैं, इस तरह से ये प्रोसेस चल रहा है। इवन और ऑड का यही प्रोसेस पूरे सदर बाज़ार में आपको मिलने वाला है। सो आप कहीं से भी आ सकते हैं, किसी भी राज्य से अगर आप आते हैं तो आप आ सकते हैं, क्योंकि सदर बाज़ार जो है खुल चुका है, और बशर्ते वही रहने वाला है कि इवन और ऑड का सिस्टम रहने वाला है। तो मास्क हमेशा पहन के रखिए, सैनिटाइज़र रहिए। मास्क कंपलसरी है, और वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, बट देख सकते हैं। और जैसे कि देख सकते हैं रुई मंडी है, रुई मंडी में यहाँ पे रेड और येलो पट्टी का ये ध्यान दिया गया है। जिस दिन रेड ओपन होगा तो येलो ओपन नहीं होगा, और जिस दिन येलो ओपन होगा उस दिन रेड जो है बंद रहेगा। यानी सरकार के निर्देश का पूरा ध्यान रखा गया है सदर बाज़ार के दुकानदारों ने। और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो सदर बाज़ार खुल चुका है, इस तरह से आपके जो है ऑनलाइन पैकिंग का सामान आपके हर राज्य में जो है जाया जाएगा। तो ये प्रोसेस आप पूरा देख सकते हैं। देखिए ऑनलाइन का सारा सिस्टम यहाँ से है,
और शॉप जो है ओपन है, एक का ओपन है तो दूसरी क्लोज है। यही प्रोसेस रहने वाला है 14 तारीख तक। उसके बाद सरकार क्या निर्देश देती है वो फिर बताया जाएगा। सो सदर बाजार की इंफॉर्मेशन के लिए और होलसेल इंक्वायरी के लिए आप मेरे साथ 0.0 पे बने। धन्यवाद।